नक्षत्र की भी आपने ग्रह की परिभाषा बताई, तो नक्षत्र शब्द की क्या परिभाषा है? नक्ष कहते हैं संस्कृत में नक्शे को, उर्दू का जो नक्शा शब्द है वो नक्ष शब्द से आया है। अच्छा, उसमें क्षय क्षत्रिय वाला क्षय है, नक्शा उसका मतलब है नक्शा जी, मैप, ओके, डायग्राम, या वो क्या कहते हैं उसको, आलेखन, जैसे वो स्केच, डायग्राम, स्केच, डायग्राम, स्केच, ओके, स्केच, नक्शा, ओके। तो कोई ना कोई नक्शा बनना चाहिए, मैप बनना चाहिए उसका, कोई ना कोई शेप बननी चाहिए। तो ऋग्वेद की तृतीय संहिता में ये सवाल उठा कि इन नक्षत्रों का नाम कैसे रखा जाए। उन्होंने कहा कि धरती पर जो पदार्थ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स धरती पर हमें अवेलेबल है, उनके हिसाब से नाम रखते हैं इनका, उनके हिसाब से नाम रखते हैं। मनुष्य तो वही पहचान सकता है। जब छोटा बच्चा आपसे पूछे कि मम्मी भेड़िया कैसा होता है, तो मीमांसा वालों ने ये उदाहरण दिया है। मीमांसा शास्त्र संस्कृत की वो शाखा है जहाँ किसी शब्द का मीनिंग किस तरीके से निकाला जाए उसकी टेक्निक बताई हुई है, थ्योरीज बताई हुई है, एटिमोलॉजी जिसको हम कहेंगे, पता नहीं एटिमोलॉजी कहते हैं क्या। अच्छा, कहते हैं शब्द का रूट, जो रूट नहीं, नहीं शब्द का अर्थ, अर्थ, अच्छा। शब्द को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसका सेंस कैसे निकालना है। अच्छा, इस सेंस का प्रयोग एक जज साहब ने किया था हिंदुस्तान में इसी 20वीं सदी, नक्षत्र का प्रयोग नहीं, इस मीमांसा के, मीमांसा के रूल का प्रयोग। अच्छा, एक इंश्योरेंस कंपनी ने उसको मुआवजा देने से मना कर दिया था कि बैलगाड़ी कृषि का अंग नहीं है, उसकी फसल जल गई, फसल का अंग नहीं है, फसल का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसलिए बैलगाड़ी या बैल नष्ट होने पर हम वो नहीं देंगे मुआवजा आपको, कंपनसेशन। वो कोर्ट में हुआ था, उन्होंने कहा कि मीमांसा शास्त्र का नियम है, सज्जन ने कहा, तो अखबार में आई थी घटना, मीमांसा शास्त्र का नियम है कि कृषि का तो भाई उपयोग, फसल की बात यदि आप करते हैं, खाली क्रॉप से बात कर रहे हैं, अनाज से बात कर रहे हैं, तो ये धरती नहीं होगी, तो आप कहेंगे धरती भी उसमें शामिल नहीं है। यदि कल को कोई धरती पर कब्जा कर लेता तो आप कहेंगे धरती भी शामिल नहीं है। फसल का बीमा होने का मतलब ये है कि फसल से संबंधित सारी चीज़ें, बारिश आ गई, उसमें बैल गिर गए, नष्ट हो गए, बैलगाड़ी खो गई, गल गई, तो भाई सारी जो खेती से संबंधित चीज़ें उन सबका, जो खेती के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वो इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि आप भी कार का इंश्योरेंस कर रहे हैं पर प्लास्टिक और जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनका इंश्योरेंस नहीं है, हेरा फेरी है, तो मीमांसा के हिसाब से वो उसमें शामिल है। आप कहें गुड़ तो खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, साहब वैसे तो शुगर फ्री पीते हैं चाय में, लेकिन जो है हम वो मिठाई खा लेते हैं, तो बहानेबाजी भी। तो उसी तरीके से नक्श का मतलब नक्शा, क्या नक्शा बने, तो जो हमें दिखाई पड़ेगा जमीन पे हम तो उसी को जानेंगे ना। तो आपसे पूछा कि भेड़िया कैसा होता है, ना तो आपने भेड़िया देखा जंगल में जाके, भेड़िया किसने देखा है, ना बच्चे ने देखा, लेकिन बच्चे को तो बताना है, यदि टीचर से भी पूछता है तो क्या बताएगा। उसके लिए उन्होंने बताया कि उसको बोलो कुक्कुर सदृशो गुड़ता, कुत्ते के जैसा भेड़िया होता है, बच्चा समझ जाएगा, बच्चा नोन है, कुत्ते को जानता है, अपनी गली में उसने स्ट्रे डॉग्स देखे हुए, उसके दिमाग में उसकी इमेज है, कुत्ते जैसा होता है, हाँ वो जंगल में रहता है, बस ये फर्क है। एक तरीके से बेटा उसको जंगली कुत्ता समझेंगे, तो बात क्लियर हो गई। तो उसी तरीके से सवाल उठा उसमें वैदिक साहित्य में कि भाई इसका नाम कैसे रखा जाए नक्षत्रों का। तो नक्षत्रों का नाम रखने के लिए उन्होंने कहा कि पृथिव्याणी इमानी पदार्थानी, ये पृथ्वी के ही पदार्थ हैं, तो जो पृथ्वी के पदार्थ हैं, जो धरती पर हमें अवेलेबल हैं, जो हम जिनको हम जानते हैं, उनके आधार पर ही नाम रखेंगे। इसलिए अश्विनी नक्षत्र के क्लस्टर को देखा, यार घोड़े के मुंह जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए उन्होंने उसका नाम अश्विनी, अश्व घोड़ा, अश्विनी नाम रख दिया। भरणी, बरनी आपने सुनी होगी, अचार का रखने के लिए मर्तमान हुआ करता था पुराने जमाने में, कांच का या मर्तमान, मर्तमान कहते हैं उनको, और कई जगह पर उसको बरनी बोलते हैं, बरनी, बरनी मतलब भर करके सामान को, पैक करके, जैम पैक करके, एयर टाइट पैक करके, इसमें रखा है कंटेनर, वो ऐसा कंटेनर, अर्थन कंटेनर, अर्थन कंटेनर, कंटेनर, उसको कहते थे बरनी। तो भरनी वो ऐसी लगती है, बाद में उन्होंने कहा कि इट लुक्स लाइक वजाइना,
फीमेल ऑर्गन के साथ, हाँ, उसको फीमेल ऑर्गन का जोड़ दिया। भरणी का मतलब है भरणी, वर्तमान, एयर टाइट कंटेनर, अच्छा, इसलिए उसका नाम भरणी रखा। कृतिका काटने वाली, कुशा की तरह लपटे उठती हुई दिखाई पड़ती है, कैंची की तरह, तलवार की तरह, इसलिए कृतिका। रोहिणी चल रही है ऊपर, कथा आई कि मृगशिरा नक्षत्र के पीछे, मृगशिरा नक्षत्र प्रजापति ने मृग का रूप बनाया और रोहिणी के पीछे अपनी बेटी के पीछे भागा। एक जगह तो बताया कि प्रजापति की 33 कन्याएं थी, उनकी शादी उन्होंने चंद्रमा से कर दी, और उधर अगले ही दो चार मंत्र छोड़ करके, दो चार सूक्त छोड़ करके, क्या वो उन्होंने अफीम का रखी थी वैदिक ऋषियों ने, वो सब एक कहानी बना करके एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स को अंडरलाइन कर रहे थे कि प्रजापति ने मृग का वेश बनाया, सा रोहिणी अभवत, वो रोहिणी हो गई, वो ऊपर चढ़ी, प्रजापति ताम अकामयत, प्रजापति का दिल अपनी बेटी पर आ गया, उस पर आ गया, वो उसके पीछे भागा, मृग बनकर के भागा। यह दुष्कृत्य व्याध ने देखा, उसके ठीक पीछे सीध में व्याध तारा है, व्याध तारा, व्याध ने इसको देखा, व्याध को शिव मानते हैं, व्याध के आर्द्रा नक्षत्र के पास है व्याध, तो व्याध ने देखा, व्याध ने उसके दुष्कृत्य को देख करके सहन नहीं किया, उन्हें तुरंत उसको तीर मारा, उस तीर में तीन गांठें थी, त्रिकांड था, उस त्रिकांड उसके पेट से घुस करके आर पार निकल गया और मृग वहीं स्थिर हो गया, और इसीलिए उसका पीड़ा की वजह से उसका सर ऊपर उठा हुआ है। तो मृगशिरा नक्षत्र का अर्थ मृग माने हिरण का सिर, उसमें ऐसे उठे हुए सिंह दिखाई पड़ते हैं, और त्रिकांड तीन तारे ऐसे हैं वहाँ जो उसके ऐसा लगता है कि उसके उदर के पेट से आर पार वो तीर जैसे हैं, तो वो त्रिकांड है, व्याध तारा पीछे है। ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स को बता रहा था, एस्ट्रोनॉमिकल वहाँ प्रेजेंस को बता रहा था वहाँ, तो इस तरीके से उनके नाम रखे गए हैं। तो नक्ष हो गया, और दूसरा उन्होंने कहा नक्षति, जिसमें गति नहीं है, जो मूवमेंट चीज में नहीं है, जिसमें मोशन नहीं है, है तो ऑलमोस्ट इनविजिबल, मतलब नेग्लिजिबल है, उसका उनका नाम नक्षत्र रखा। और ये आप कहेंगे उनको कैसे पता था इसमें गति नहीं है, अरे गति नहीं होती तो अभिजित नक्षत्र की कथा को अथर्ववेद में कैसे कहते। अभिजित नक्षत्र ध्रुव, ध्रुव स्थान पर अभिजित नक्षत्र था, ये नक्षत्र गिर पड़ा नीचे और उसके बाद दूसरा नक्षत्र आ गया, उसकी कथा आती है, कथा रूपक बनाया हुआ, पूरी स्टोरी बनाई हुई है, वो महाभारत में भी आई है कहानी। तो अभिजित नक्षत्र कभी तो ध्रुव स्थान निश्चित नहीं है, पोलर स्टार हमारा निश्चित नहीं है, वो हर 26,000 साल के बाद बदल जाता है, दूसरा स्टार आ जाता है। तो अभिजित उस जमाने में कभी ध्रुव स्थान पर पोलर पोजिशन पर रहा होगा, वो वहाँ से खिसका, वहाँ से शिफ्ट हुआ, तो उसकी उन्होंने कथा बना दी, रूपक बना दिया, मेटाफर बना दिया उसका। तो इस तरीके से नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं। ये सब कुछ इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को हिंदुस्तान धरती पर रहने वाले ऋषियों ने धरती पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए धरती के ही नियमों के आधार पर, दुनियादारी के नियमों के आधार पर लिखा है, और वो साइंटिफिक है, व्यावहारिक है, सामाजिक है, तार्किक है, वैज्ञानिक है। नक्षत्र का जो यूसेज आता है, एप्लीकेशन आता है एस्ट्रोलॉजी में, बेसिक तो पहले दशा निकालने के लिए आ जाता है, उसके बाद जो एप्लीकेशन में लेकर आते हैं तो उसको अप्लाई कर देते हैं कि अगर अश्विनी है तो केतु का रिजल्ट, जो जो ग्रह अश्विनी नक्षत्र में है, केतु देख लीजिए, रिजल्ट वहां से आएंगे। तो ये कहां तक सही है? भरणी में तो वीनस के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वीनस को आप देख लीजिए, कहां तक सही है? नक्षत्र रूल बाय देयर ओन डाइटीज ओनली, उनके रूलिंग डाइटीज है, और वैदिक साहित्य में यही बताया गया है कि नक्षत्रों के अपने देवता हैं, और देवताओं का स्वरूप, देवताओं के प्रॉपर्टी, देवताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति के अंदर होते हैं। विंचोत्तरी दशा लॉर्ड्स को वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सब जगह लागू नहीं होता, अश्विनी के, अश्विनी केतु की संपत्ति नहीं है, वो केवल विंचोत्तरी दशा के फील्ड में बताया गया। यदि ऐसा कहीं एप्लीकेशन था वो साउथ इंडियन केपी पद्धति की वजह से यहाँ पर ये आ गया और लोगों के दिमाग में चढ़ गया कि ये केतु का नक्षत्र है अश्विनी, वो केतु का फल देगा, अश्विनी बैठा हुआ जो अश्विनी महामूल केतु का देंगे, हाँ, जो उसमें बैठे हुए जो है वो केतु का फल देंगे, ये नक्षत्र पद्धति उनकी है, केपी की है, ये क्लासिक्स में कहीं नहीं, क्लासिक्स में नहीं, क्लासिक्स में नहीं है, क्लासिक्स में उन्होंने कहा नक्षत्र के अपने स्वरूप के आधार पर सीधी सी बात बताएं, उन्होंने कहा अश्विनी में पैदा हुआ व्यक्ति कैसा होगा, तेज चलने वाला होगा, घोड़ा है ना, जन्म नक्षत्र जिसका, हाँ, अश्विनी घोड़ा है ना, घोड़ा, और चंद्रमा मन है, माइंड है, उसके दिमाग में हर उतावला बन रहेगा, फुर्तीला होगा, चुस्त होगा, अश्वगामिनी उसकी शक्ति होगी, यानी हर काम को बहुत जल्दी करना चाहेगा,
जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाए, जल्दी काम खत्म हो जाए, देरी उसको बर्दाश्त नहीं होगी, इसका उसके स्वरूप से उसके ऊपर असर आएगा। तो इसका क्वालिटेटिव, प्लैनेट का क्वालिटेटिव स्वरूप, प्लैनेट नहीं नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होंगी बॉर्न में, नेटिव में, नेटिव में। दूसरे उसके रूलिंग डाइटी कौन है, उसका रूलिंग डाइटी अश्विनी कुमार है जी। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जब वो देवताओं के वैद्य हैं और वो एवर यंग है अश्विनी कुमार, तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को एजिंग देरी से होगी, एजिंग सो होगी, बुरा देर से लगेगा, अपनी उम्र से कम लगेगा। प्लैनेट से मेरा मतलब था कि जिस हाउस का लॉर्ड है उस रिलेशन के साथ अश्विनी नक्षत्र के विशेषताएं बताई और अश्विनी नक्षत्र की रूलिंग डाइटी से जो प्रॉपर्टी आ रही है वो बताई, किस भाव में पड़ा हुआ नक्षत्र वो नहीं, सपोज अश्विनी फिफ्थ लॉर्ड का या फोर्थ लॉर्ड का ले लीजिए, अगर फोर्थ लॉर्ड का नक्षत्र पति है तो क्या नक्षत्र पति से आपका मतलब वही विंशोत्री में आप मिक्सिंग कर रही है ना, नहीं तो सपोज किसी का फोर्थ लॉर्ड मून है, मून तो हमने चलो ले लिया, फोर्थ लॉर्ड आप जुपिटर ले लीजिए और वो अश्विनी में है, तो क्या ये कहेंगे कि उसकी जो मदर है उसमें भी अश्विनी वाली जो डेटी की जो क्वालिटीज आपने बताई, मनुष्य में जातक में जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र में विचार करना है, बाकी और ग्रहों को नक्षत्रों के इस तरीके से विचार नहीं किया कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं उनके संबंध उनके रिश्तेदारों में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ी थी, वो व्यक्तियों के लिए बताएगी, सिर्फ नेटिव्स के लिए बताएगी, जो जन्म लग्न में नक्षत्र पड़ा हुआ है लग्न में और जो चंद्रमा का नक्षत्र है उन दोनों के प्रभाव व्यक्ति के अंदर आते हैं। अच्छा, पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का मतलब पोषण, वो क्या कहते हैं उसको, नरिशिंग, नरिशमेंट, तो हर एक चीज को पुष्ट करके पक्का करके पुख्ता करके काम करना चाहता है, यानी पहले से ही अपनी तसल्ली करना चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, प्रॉपरली अटेंड किया जाऊँगा, मेरी बात सुनी जाएगी, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा, यानी हर तरीके से अपनी पहले पक्का करके तब आगे कदम बढ़ाता है, पुष्ट पुष्ट कर देना, कन्फर्मेशन पहले चाहिए उसको, आप उनको बुलाइए, वो कहेंगे इनविटेशन लेटर, आप आपका लेटर देखे आया क्या, तो आएंगे, हर एक चीज आपको एक्शन करना चाहता है किसी, वो रिस्क नहीं लेते, चल जाके देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, सेल्समैन की तरह, साहब ये सामान है ले लीजिए, उनको कंफर्म ऑर्डर चाहिए पहले, देन दे स्टार्ट टू एक्ट। तो नक्षत्र को हम लॉर्डशिप के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, रूलरशिप के ऊपर जी, रूलिंग डाइटी पे लॉर्डशिप पे अप्लाई करने का कोई नियम नहीं, जैसे फोर्थ लॉर्ड क्लासिक्स में कोई नियम नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि विंशोत्री दशा लॉर्ड को फोर एवर यूनिवर्सल रूलर मानते हुए उनका प्रेडिक्शन में उपयोग किया जाए, उसके लिए आई बैग योर पैटर्न, कोई ऐसा नियम नहीं है कि टेंथ लॉर्ड इस नक्षत्र में है तो उस डेटी के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके काम करने के स्वभाव में आ जाएंगे, ना ही विंशोत्री दशा लॉर्ड के, ऐसा कोई साइटेशन कहीं नहीं है और ना ही ये साइंटिफिक है। तो जो बाकी लॉर्ड्स हैं जो हाउसेस के वो जिस नक्षत्र में है उसकी एप्लीकेशन या उसकी यूसेज कहाँ पर आती है, फिर उनको भी हम देखते हैं कि वो कौन से नक्षत्र में है, फलादेश में उनका उपयोग होता है, किस तरह से होता है, संहार नक्षत्र बताए, सृष्टि स्थित संहार नक्षत्र बताए, जितने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 वो नक्षत्र है, वो संहार नक्षत्र है, वो नक्षत्र हमें देखना है कि किसी हाउस के मध्य के आसपास तो नहीं पड़ रही, जो राइजिंग डिग्री है सन की लग्न की वही डिग्री राइज करती है हर एक हाउस में, पाराशर का नियम है, मेरा नियम नहीं है, द्वादश भाव स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लग्न की जो डिग्री है उसमें एक एक राशि जोड़ दीजिए तो आपको दूसरे हाउस मिडिल मिल जाएंगे, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस सक्सेसिवली, तो उनमें जो नक्षत्र राइज करता है उसे तीसरा नक्षत्र अगले हाउस में राइज करता है, दो नक्षत्र बंद करके, यदि वो संहार नक्षत्र किसी ऐसी जगह पर पड़ रहा है जो हाउस मध्य में भाव मध्य के आसपास पड़ रहा है तो भाव को डैमेज करता है, यदि वो संधि में पड़ रहा है तो बहुत अच्छा, इसके लिए खाली लग्न को चेक करने की जरूरत होती है, लग्न में यदि कोई नक्षत्र इस तरीके का संहार नक्षत्र लग्न में आ गया और वो लग्न की डिग्री के आसपास ही है तो लग्न डैमेज हो गया तो सारे के सारे हाउसेज में संहार नक्षत्र ही पड़ेंगे। तो इसलिए कह दिया कि गंडांत में लग्न गंडांत को माना ही इसलिए क्योंकि रेवती नक्षत्र गंडांत में पड़ता है, श्लेषा नक्षत्र गंडांत में पड़ता है,
मघा अश्विनी मघमूल 1/10/1900 नक्षत्र है ना, तो इसलिए उन्होंने उसको श्लेषा नक्षत्र गंडा लग्न गंडा भी इम्पोर्टेंट है, तो सारे के सारे हाउस वहाँ एफ्लिक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं। दूसरा उसमें देखते हैं कि वैनाशिक नक्षत्र कहाँ पड़ा हुआ है, तो जिस हाउस में वैनाशिक नक्षत्र आया वो हाउस डैमेज हो गया। यदि वो वैनाशिक नक्षत्र बारह खानों में कहीं ना कहीं रहेगा जरूर हर एक कुंडली में, लेकिन वो ऐसी जगह पर होना चाहिए संधि पर, या ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ नेगेटिव संवर्जन या डेफिशिएंसी डिजायर्ड है। ओके, 8th हाउस में होना वैनाशिक नक्षत्र, 6th में है वैनाशिक नक्षत्र, 12th में है वैनाशिक नक्षत्र, 8th में तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कोई उसको अच्छा मानते हैं उनको बड़ा मानते हैं, 6th में 6/12 में वैनाशिक नक्षत्र है, दुश्मन का नाश हो गया, आपके रोग का नाश हो गया, आप लंबे समय तक स्वस्थ रहे। 12वां मतलब आपके शरीर की एजिंग, आपके शरीर का क्षय, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका खर्च कम होगा, बचत ज्यादा होगी, तो डिजायरेबल है। उसके सिग्निफिकेशंस का नाश कर रहा है, अगर 4th हाउस में तो संधि पे आए तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो गया। जहाँ दूसरे हाउस में किसी ऐसे शुभ हाउस में पड़ रहा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, यदि वो असंभव असंभव हो जाएगा उसका फल आना, ये संधिगत होगा जी, संधि के आसपास पड़ा हो या भाव मध्य से बहुत दूर हो जी। तो उसके लिए उन्होंने सीधी सी बात कर दी कि 6 डिग्री इधर 6 डिग्री इधर उसका जो बैड इफेक्ट है वो या गुड इफेक्ट है जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, 12 डिग्री के अंदर में होना चाहिए। सही कि लग्न जो है 4 डिग्री का है तो उससे 6 डिग्री पहले और 6 डिग्री आगे तक, 10 डिग्री से आगे वैनाशिक नक्षत्र चला गया तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा लग्न में। अच्छा, संधि के नजदीक पड़ गया ना, उसके उस लेंथ से उसके उस एरिया से निकल गया, तो एरिया उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 6 डिग्री बोथ साइड, 6 12 डिग्री में वो दीप्तांश उन्हीं को कहा ना, दीप्तांश वही गए, दीप्तांश का जहाँ तक उनकी दीप्ति रहती है, तो जितनी दूर चला जाएगा तो उतनी हीट या उतनी ठंडक हमें कम लगेगी ना, यदि हीटर को हम दूर रख कर भी चलाएंगे हो सकता है हमें वार्म्थ महसूस हो लेकिन हम गर्मी नहीं लगेगी, हमारे स्किन नहीं जलेगी, लेकिन हीटर को यहीं रख के चला दूँ तो मेरे पैर जलने लगेगा, तो ठीक वही थ्योरी वहाँ काम कर रही है। इसलिए कहता हूँ कि दुनियादारी के रूल्स के आधार पर तय किया गया सारी बात। और संहार नक्षत्र के जो स्नवांश के जो तीसरा और चौथा पद जो पड़ता है नक्षत्र का संहार नक्षत्र में, उसको ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। हाँ, वो जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ेगा एंडिंग मोमेंट की तरफ गंडांत की तरफ बढ़ रहा होता है ना, ठीक, इसलिए श्लेषा का तीसरा चौथा नक्षत्र गंडांत की लग्न संधि भी आ जाती है, राशि संधि भी आ जाती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा सेंसिटिव माना। सेंसिटिविटी इंक्रीजिंग मैनर में होती है, असेंडिंग मैनर में होती है, और जैसे ही वो जंक्शन पॉइंट क्रॉस करता है उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। मिश्रा जी, नक्षत्र की अफ्लिक्शन किस तरह से देखी जाती है? सूर्य से युक्त नक्षत्र भूमित है, पीड़ित है। जिस नक्षत्र में सूर्य होता है वो नक्षत्र पीड़ित होता है। इसलिए पारशर में ये बताया गया है कि सूर्य जिस स्थान में रहे, जिस हाउस में रहे, मोस्ट पर्टिकुलरली उस हाउस के उसी नक्षत्र में हो, जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र हाउस मध्यमी पड़ रहा, भाव मध्यमी पड़ रहा हो, तो पूरा भाव कम्बस्ट हो जाता है। अच्छा, जब सूर्य के साथ रहने से ग्रह कम्बस्ट होते हैं तो सूर्य के साथ रहने से भाव कम्बस्ट क्यों नहीं हो सकते, ये सिद्धांत निकल के आता है। तो सूर्य जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की कुछ ना कुछ कमजोरी, कुछ ना कुछ डेफिसिट, कुछ ना कुछ उसके प्रिंसिपल्स में कमी लेके आता है। सूर्य बड़ा प्लैनेट है, सूर्य फायरी प्लैनेट है, सूर्य के सानिध्य में सूर्य के विसिनिटी में आने पर सारे और ग्रह अस्त हो जाते हैं, अपनी आभा खो देते हैं। तो उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य जिस नक्षत्र में होता है उसको शास्त्रीय परिभाषा की धूमित है, वो धूमित है, धुएं के अंदर है, धुएं के पीछे है, स्मोकी हो गया। तो जाहिर है कि उसका आभा, उसकी चमक, उसकी एक्चुअल ग्रेस, उसका ग्लो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसका ग्लो कम होगा, फ्यूअर होगा। तो अभिधूमित नक्षत्र उसको आप एफ्लिक्टेड कह दीजिए। दूसरा एफ्लिक्शन नक्षत्र में जो होता है वो भेद युति से होता है, टेक्निकली यदि कहें तो, इस समय कोई ग्रह उसको पेनेट्रेट करके निकलता है उस नक्षत्र को, उस नक्षत्र की योग तारा को,
उस नक्षत्र के प्रिंसिपल स्टार को जिस समय पेनिट्रेट करके निकले, पियर्स करके निकले, उसके अंदर से आर पार तीर की तरह निकल के जाए, या उसको टच करके जाए, उसको कंधा मार के जाए, उसको रगड़ मार के जाए, सड़क पर गाड़ी जैसे दूसरे रगड़ मार देती है कभी कभी, खुद को हिट करे, तब वो पीड़ित होता है नक्षत्र। तो नक्षत्र को पीड़ित होने की टर्मिनोलॉजी यदि आप बात करते हैं तो नक्षत्र दो ही स्थिति में पीड़ित होता है, या तो सूर्य से युक्त हो, सूर्य जिस नक्षत्र में जाने वाला है उसका नाम रखा कि वो धूमित होने वाला है, और जिस नक्षत्र से निकला है वो दग्ध है, वो जल चुका है। तो दग्ध शब्द और कम्बस्त शब्द दोनों का लिटरल मीनिंग एक ही है। कम्बस्त का मतलब जला हुआ, भुना हुआ, तपा हुआ, दग्ध का मतलब जला हुआ, भुना हुआ, तपा हुआ। तो सूर्य जिस स्थान में होता है उस स्थान को अस्त करता है, उस भाव को अस्त करता है, इसलिए उस भाव के प्रिंसिपल भी अस्त हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, उस सूर्य के संयोग से वो भाव एफेक्टेड होता है, वो नक्षत्र एफेक्टेड होता है, उस नक्षत्र के कार्यकर्ता एफेक्टेड होते हैं। दूसरा एफ्लिक्शन आता है वो सूर्य वो पेनिट्रेशन से, तो भेद युति कब होती है, जब उस नक्षत्र के अंदर से गुजरता है वो ग्रह, वो तभी पोजीशन हो सकती है कि नक्षत्रों के जो शर हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन टेरेस्ट्रियल लोकेशन है वो फिक्स है। जैसे हमें हमारी दिल्ली की लोकेशन हमें मालूम है कि इतनी डिग्री इतने उसके नॉर्थ, तो ये हमारी ग्लोबल लोकेशन को बताता है। उसी तरीके से आसमान में प्लैनेट की जो सेलेस्टियल लोकेशन है वो लैटिट्यूड बताता है। तो लैटिट्यूड से जब सूर्य कोई ग्रह काश्चर इतना हो जाए, माना इस नक्षत्र के रीजन के बीच से गुजरे, तो उसको कहते हैं पेनिट्रेशन। बीच से गुजर गया और योग तारस दूर है तब भी वो पेनिट्रेशन है, लेकिन भेद युति उसकी पांच प्रकार की युति बताई, पांच प्रकार की पोजिशन होती है। तो एक पोजिशन जो सबसे मोस्ट डेंजरस होती है वो ये होती है कि जिस समय उस योग तारा को टक्कर मारता हुआ जाता है, योग तारा को टच कर दिया जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि अभी कुछ दिन पहले वीनस का सन के ऊपर पास हुआ था, उसको पास कहते हैं, पास ओवर करना, वीनस का ट्रांजिट, वीनस ट्रांजिट ओवर द सन। तो उसी तरीके से जब कोई ग्रह किसी योग तारा के ऊपर से पास करता है तो वो पेनिट्रेशन है, वो भेद युति है, उसको हम चार्ट में उसको पीड़ित कहेंगे, उसके शर्त देखते हैं, और उसका उपयोग संहिता में है, मुंडेन में है मैक्सिमम। अच्छा, जैसे रोहिणी भेद, रोहिणी चकट भेदन हुआ, ये जो भेदन हुआ तो उसका उसमें ज्यादा प्रभाव है, मुंडेन में उसका इफेक्ट देखा जाता है, नॉर्मली नेटल में इसका इम्पैक्ट नहीं कहीं देखा गया। अच्छा। नेटल में केवल वही नक्षत्र पीड़ित है जहाँ सूर्य स्थित है, सूर्य का अगला पिछला नक्षत्र भी थोड़ा पीड़ित है, लेकिन वो कम पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित वो है जिसमें सूर्य बैठा हुआ है। तो जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा है वो अगर कहें वो पीड़ित है, मतलब उसके जो डेटी के सिग्निफिकेशन है वो इफेक्ट होंगे, वो इफेक्ट नहीं होंगे, वो तो नेचर के लिए अलग से होगा। चंद्रमा का नक्षत्र देख लिया, लग्न का नक्षत्र देख लिया, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठेगा, चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है, हाँ जी। तब उसकी डाइटी के, और चंद्रमा उसी नक्षत्र में, तब उसकी डाइटी के, उसकी जो नेचर टेम्परामेंट के जो गुण और प्रॉपर्टी उसके अंदर आनी थी वो अफेक्टेड होगी। यदि मून वहाँ नहीं है तो सूर्य उस हाउस को अफेक्टेड करेगा, बशर्ते कि वो नक्षत्र भाव मध्य में पड़ रहा हो। एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र जरूरी नहीं है जिस नक्षत्र में सूर्य है सूर्य एग्जैक्टली भाव मध्य पर ही हो। यदि सूर्य भाव मध्य पर के आसपास है, 6 डिग्री इधर 6 डिग्री इधर है, और उसी नक्षत्र में तो उस हाउस के सिग्निफिकेंस को, उस हाउस के प्रिंसिपल्स को, उस हाउस के कार्यकर्ता को कम करेगा, उसको फेल कर देगा। ठीक, ये उसको कहते हैं पीड़ित नक्षत्र। बाकी और एफ्लिक्शन किसी और तरीके का एफ्लिक्शन शास्त्र में नहीं बताया गया। कुछ समय पहले आप राहु केतु की बात कर रहे थे जी। तो राहु केतु पे एक दो सवाल आते हैं आमतौर पे और अभी भी हमारे पास आए हैं। पहला सवाल तो क्या राहु का ट्रू मोड चार्ट चार्ट बनाने में क्या ट्रू नोड लेना चाहिए या मीन नोड लेना चाहिए और क्यों? अभी पहले हमने बताया था कि राहु और केतु चंद्रमा के नोड्स हैं, उसी तरीके से सारे ग्रहों के नोड्स होते हैं। कुल मिलाकर के ज्योतिष में 14 राहु है, 7 ग्रहों के 7 ग्रहों के 2-2 राहु, लेकिन हम सूर्य और चंद्रमा के राहु को ही कंसिडरेशन करते हैं। सूर्य के राहु में सायन मेष और सायन तुला, सायन मेष जिस समय वर्णल इक्विनोक्स इक्विनोक्स यहाँ होता है तो वो, और सायन तुला, तो इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास सूर्य के नोड होते हैं, सूर्य अपने नोड पर होता है, यानी सूर्य क्रांतिवृत्त पर होता है।
तो इसलिए और वो सूर्य के नोड हो गए, चंद्रमा के नोड और राहु केतु हैं, तो ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। बाकी के नोड यदि शनि के नोड की बात करें तो शनि का एक नोड लगभग 65-66-67 हज़ार साल में एक राशि चक्र पूरा करता है, तो 12-5-60 से भी ऊपर 5000 साल में एक राशि पार करेगा, इसलिए उसका कंसिडरेशन नहीं किया उन्होंने। पात होते हैं वो, उनका कंसिडरेशन कहीं कहीं होता है, जिस समय पेनिट्रेशन रोहिणी चक्र वेदन के संबंध में किया जाता है, लेकिन वो पात का और कंसिडरेशन नहीं है। तो मीन और ट्रू ये बात आजकल जब कंप्यूटर प्रोग्राम आने लगे तब ये पैदा हुई। अच्छा। उससे पहले बरसों से हजारों साल से मीन मौसम से ही काम चलता था, मीन राहु से ही काम चलता था। उसकी वजह यह थी कि मीन राहु में और शो राहु में, वो कहते हैं कि सदा बकरी रहते हैं राहु केतु, लेकिन मीन राहु जो ट्रू राहु है वो कभी कभी एक दो दिन के लिए, चार दिन के लिए मार्गी भी हो जाता है, लेकिन उसकी मार्गी और बकरी गति इतनी माइन्यूट अंतर होता है उसमें कि वो मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का फर्क होता है। इसलिए हम उसको मार्गी कहें कि बकरी कहें, नजर का धोखा, इतनी बारीक कैलकुलेशन, इतनी बारीक मेजरमेंट करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है, उसको टू कभी कभी लगता है कि टू चलता है, तो उससे 1-8 सेकंड का 2 सेकंड का 3 सेकंड का फर्क मैक्सिमम पड़ता है। इसलिए मीन से काम चला सकते हैं, मीन से ही काम चलता आया है, मीन से ही पहले काम करते थे सारा, मीन ही पंचांग में लगाया जाता था, मीन ट्रू कैलकुलेशन नहीं करते थे क्योंकि तो उसकी कैलकुलेशन बहुत से बड़ी नहीं है। टू राहु केवल तो उसी समय देखते थे वो जिस समय ग्रहण का निकाला जाता था, ग्रहण का निकालने के लिए तो ऑटोमेटिकली उसमें अपने आप 1-8 सेकंड का अंतर कर लेते थे, क्योंकि सीधा रूल है यदि वो टू राहु से वो नहीं आ रहा, मतलब जो एक्चुअल आपकी कैलकुलेशन वाले राहु है तो नहीं आ रहा है ग्रहण ठीक, तो उसमें 1-8 सेकंड इधर उधर करके देखिए, तो 1-8 सेकंड करने का मतलब ये है कि वो उसका कॉम्पेटिबिलिटी बैठा रहे थे उसके साथ, मीन के थ्रू के साथ। तो इसका मतलब है कि ट्रू राहु उपयोगी है केवल ग्रहण आदि के लिए, सेलेस्टियल घटनाओं के लिए, और प्रैक्टिकल पोजीशन में हम मीन से काम चला सकते हैं। आप ट्रू रखना चाहें तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीन और ट्रू राहु में मैक्सिमम पॉसिबल अंतर 1 डिग्री से लेकर के 90 मिनट तक का होता है, यानी 1.5 डिग्री तक का होता है मैक्सिमम, इससे ऊपर हो नहीं सकता। तो 1-1.5 डिग्री का फर्क रहेगा, 1-1.5 डिग्री में राहु केतु में कोई लंबा चौड़ा फर्क कभी पड़ता नहीं है, नवांश का फर्क कभी पड़ सकता है, वो कभी पड़ सकता है, वो भी 100 में से 20 केसेस में पड़ेगा, सब जगह तो पड़ेगा जी। तो ऐसी स्थिति में आप ट्रू रखें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, मीन रखें उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा, कोई बहुत कंसीडरेबल, बहुत कोई सिग्निफिकेंट अंतर पड़ने वाला नहीं है। राहु केतु से संबंधित सवाल आता है काल सर्प योग का जी, तो उससे पहले काल सर्प योग से पहले मैं एक सवाल भूल गई तो आपसे पूछना कि राहु केतु को फलित में उसके नियम, मुख्य नियम क्या है कि फलित में राहु केतु का प्रभाव किस तरह से जांचना है? बड़ा सीधा सा नियम बताया हुआ है, उसमें कहीं कुछ गुंजाइश शक्ति है ही नहीं है। यद्यत भाव गत हुआ फिर यद्यत भावे संयुक्त फलानी प्रबलो केशम प्रदृषितम तमोग्रो पाराशर जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। जिस भाव में गए हुए हो उस भाव का फल करते हैं अकेले, यदि अकेले राहु केतु जहाँ बैठे हुए हैं, सपोर्टिंग राहु 8th हाउस में बैठा है और 8th हाउस का लॉर्ड वहां नहीं है तो वो बिहेव करेगा 8th लॉर्ड की तरह, 12th में गया तो 12th लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, उसकी वो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी एंजॉय करता है, वो उसका किराएदार है या वो उसका मैनेजर है जो उसके अफेयर भी यहाँ देखता है, जैसे स्टेट लेवल के नेताओं के वो स्पेशल एजेंट्स यहाँ सेंटर में रहते हैं, वो उनके अफेयर्स को, उनके वेलफेयर को देखते रहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उसका वेलफेयर करेगा। तो 8th हाउस प्रोटेक्टेड हो गया, 8th हाउस में 1 लॉर्ड बैठ गया, तो राहु अकेला है तो किसी भी स्थान में बैठेगा, केतु अकेला है किसी भी स्थान में बैठेगा तो उस हाउस के लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, उस हाउस लॉर्ड का डमी बन जाएगा। ये पाराशर जी कहते हैं यद्यन भाव गतो भापी, जिस हाउस में जाए यद्यन भावेश संयुत हो अथवा जिस हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाए उस हाउस लॉर्ड के साथी बन जाते हैं, उसके सपोर्टर उसके फॉलोअर बन जाते हैं। अष्टमेश के साथ राहु बैठ गया तो अष्टमेश के जैसा बन जाएगा, तो अष्टमेश की ताकत डबल हो गई जिस हाउस लॉर्ड के साथ बैठे। यद्यन भाव गतो भापी यद्यन भावेश संयुत हो फलानी प्रबलो के शाम, उन्हीं उन्हीं का फल वो प्रबलता से मुख्यता से प्रोमिनेंटली डिस्पर्स करते हैं। पहला रूल,
दूसरी बात उन्होंने बताया, यदि केंद्रीय त्रिकोण एवा, इसी को एक्सपेंड किया, यदि केंद्रीय त्रिकोण एवा निवसेताम तमो ग्रहो नाथे नान्य तरेना जो भवेताम जो उदारको, इसी आधार पर उन्होंने बताया कि यदि राहु और केतु केंद्र में बैठे हुए हो या त्रिकोण में बैठे हुए हो और आयर लॉर्ड से, केंद्र लॉर्ड से या त्रिकोण लॉर्ड के साथ उनका एसोसिएशन बन जाए तो भवेताम योग कारक, वो योग कारक बन जाते हैं, वो राजयोग कारक बन जाते हैं, वो अच्छा फल देने वाले बन जाते हैं। इसी रूल का एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है इसी का, रूल का दो रूल है। तीसरी बात, यद्यन भाव गतोगापी, जिस भाव में गए इससे एक ध्वनि और निकलती है कि राहु का डिस्पोजिटर ही केतु का डिस्पोजिटर ही बलवान है, जिस उस हाउस लॉर्ड का इफेक्ट देते हैं तो वह हाउस लॉर्ड भी तो बलवान होना चाहिए। तो इससे इनडायरेक्टली ये बात आ जाती है कि जिस राहु केतु के डिस्पोजिटर यदि वेल पोजिटेड है और राहु तीस हाउस में बैठा हुआ है तो उस हाउस को पुष्ट करेगा, और दी डिस्पोजिटर उसका वीक है, वीकली डिस्पोज है, तो राहु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को कमजोर करेगा। सीधी सी बात, सिंपल सिंपल थ्योरी है, कहीं डाउट ही नहीं है। और क्या राहु केतु की दृष्टि मान्य है? बड़ा टिपिकल सवाल पूछती हैं आप। अब समस्या ये है कि सर्वाज चिंतामणि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की अंग्रेजी में छपी थी किसी जमाने में और उसका रिप्रिंट हुआ दिल्ली में। उस रिप्रिंट को जब मैंने देखा तो मुझे तुरंत अपने किशोर अवस्था की टीन एज के वो दिन याद आ गई जब मैंने उस सर्वाज चिंतामणि के संस्करण पर संस्कृत में गलतियाँ देखी थी और उसका मैंने साइड में नोट्स लिखते होते निशान लगा रखे थे, ढूंढ करके उसको निकाला और मेरी लिस्ट में किन किन किताबों में मुझे काम करना है, सर्वाज चिंतामणि और मानसागरी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मानसागरी और सर्वाज चिंतामणि क्लासिक नहीं है। लेकिन सर्वाज चिंतामणि लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि सर्वाज चिंतामणि बहुत पॉपुलर है, बेसिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको और मानसागरी को बेसिक स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसलिए भाई सर्वाज चिंतामणि में इस तरीके की मिस्ट्री मीन्स इस तरीके के लेक्चर यदि हैं और वो भी एक स्कॉलर के द्वारा किए गए हैं तो भाई वो मान्य नहीं है, वो तो पूरी कुएं में भांग घोल देंगे, हर शाख पे उल्लू बैठ जाएगा, फिर अंजाम में गुजस्ता क्या होगा उसका मालूम नहीं होगा। तो इसलिए और वो मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ से छपी थी और साउथ के वो बड़े रेपुटेड एस्ट्रोलॉजर थे और इस तरीके की वो बचकानी गलतियाँ की हुई थी कि जिनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो संस्कृत के श्लोक वहाँ देते नहीं है, उनका पैटर्न है संस्कृत के श्लोक देते नहीं ताकि कंपेयर करके देख ले। अंग्रेजी वाले पढ़ते थे तो अंग्रेजी में जो लिख दिया उन्होंने मान लिया कि ऐसा ही लिखा होगा। आजकल अमेरिका में भी ये रूल बन गया है, वो कहते हैं कि वो उनको नहीं चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेटर विद ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए हमें ताकि वो खुद देखें उसको कि जो इन्होंने लिखा है वो उसमें है कि उल्टा नहीं कर रहे हैं, आजकल कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं चीज की, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है, इसलिए आजकल ये जमाने में चल नहीं सकता। सारे पाठ को टेक्स्ट को शुद्ध किया उसके बाद दोबारा लिखा, दसवीं के स्कूल लेवल की गलतियां सर्वाज चिंतामणि में। उसी सर्वाज चिंतामणि का एक श्लोक है, सुत मदन नवांके पूर्ण दृष्टि समस्त, सुत मदन नवांके पूर्ण दृष्टि समस्त। एक सज्जन ने अनाड़ी में लिखवाना कि ये पाराशर का श्लोक है, पाराशर जी को संस्कृत नहीं आती थी क्या, पाराशर जी बिल्कुल अज्ञानी थे क्या, इतना बड़ा पाराशर और शास्त्र लिख दिया, संस्कृत गलत लिखेंगे, पूर्ण दृष्टि समस्या, ये ग्रामेटिकली गलत है, पूर्ण दृष्टि समस्या, पूर्ण तमसा शब्द होगा तो तमसा के जगह समस्या लिख रहे हैं, इसने मूर्ख नहीं थे पाराशर जी, और पाराशर के नाम से ठोक दिया क्योंकि आपने बोला नहीं, क्योंकि टीवी पे आने वाले बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये मानसागरी में लिखा है, जैसे किसी और को तो पता ही नहीं मानसागरी क्या चीज़ है, कहीं का श्लोक कहीं से बोलेंगे। आज सुबह ही मेरे पास एक आदमी का फोन आया, मैं चलने वाला था, उन्होंने मैं आपसे कन्फर्मेशन चाहता हूँ, एक टीवी पर आते हैं, नाम नहीं लेना चाहता उनका, मतलब मैं आपके सामने नाम लेना चाहता, उन्होंने नाम लिया कि वो कह रहे हैं कि गुलिक काल में, यमहंस काल में, राहु काल में सब शुभ काल किए जा, शुभ कार्य किए जा सकते हैं, आपसे कन्फर्मेशन मुझे चाहिए। मैंने कहा भैया मैं क्या कन्फर्मेशन दूँ, मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए। बोला बस नहीं करने चाहिए, वो तो घोषणा करते हैं बैठ करके टीवी पर, अब क्या करें, हमारे हाल तो हो गए, हमें तो लूट लिया टीवी वालों ने, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो पूर्ण दृष्टि समस्या, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, पाराशर जी ने कहीं कोई दृष्टि के बारे में बात नहीं की, राहु केतु के इम्पैक्ट को बताने के लिए केवल ये दो रूल बताए जो मैंने आपके सामने बता दिए। अब अपनी मनमर्जी से कोई रूल बनाने लगे, मैं आपके सामने बोलने लगूँ साहब मैं जर्मनी में बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी भाषा बोलने लगूँ, ऐसे शब्दों का जंजाल खड़ा कर लूँ कि आपकी समझ में ना आए, तो आप सब अब मैं बताऊँगा ऐसे साइटेशन है वहाँ का, मैं उर्दू अरबी फारसी के दो लाइन बोल दूँ आपको, देखिए साइटेशन, मैं वेद मंत्र जो बोल रहा हूँ आपके सामने कोट कर रहा हूँ उसका मीनिंग बता रहा हूँ कि
मित्र, तो ठीक उसी तरीके से बोले ऑथेंटिकल, कहीं ऑथेंटिकली नहीं बताया गया राहु केतु की दृष्टि, राहु केतु के स्वग्रह तक नहीं बताए गए, अपनी राशि कौन सी ये तक नहीं बताई। इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन है, उनकी अच्छी राशियां हो सकती हैं और बुरी राशियां हो सकती हैं, वो कभी डिटेल का विषय है, वो देखें, उस पर गहरे पानी पैठ में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बारे में, कौन सी राशि में शुभ फल है, कालसर्प योग के बारे में उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, कालसर्प योग का बेस क्या है, शास्त्रीय बेस क्या है, उसका क्लासिकल बेस क्या है वो बताया, नाम फिर नाम उन्होंने आजकल आधुनिक रख लिया, लेकिन उसका कंसिडरेशन था उस वक्त भी शास्त्रों में, हाँ शास्त्रों में था, इनडायरेक्टली था, बिना नाम लिए था, इसका नाम नहीं रखा था। ओके, नाम चाहे कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, आजकल नाम रख लिया, उसको पॉपुलराइज कर दिया, पब्लिसाइज कर दिया, उसकी मार्केटिंग कर दी, तो मार्केटिंग करके आप किसी भी जो कालसर्प दोष की मार्केटिंग खत्म हो गई, उससे पहले वास्तु की मार्केटिंग की थी, मार्केटिंग करने में कुछ हमारे हिंदुस्तान के आधे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि जो मार्केटिंग में बड़े हाई हैं और बड़े फास्ट हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने ही वास्तु की मार्केटिंग शुरू की थी, उन्होंने ही फिर कालसर्प की मार्केटिंग शुरू की, अब पितृदोष की मार्केटिंग चल रही है आजकल, किसी को देख लीजिए उसकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष क्या होता है, तो इस तरीके के सवाल पूछेंगे, तो ये मार्केटिंग का जमाना है, तो मार्केटिंग में कोई भी नाम रख लीजिए आप, अच्छा फड़कता हुआ नाम रख लीजिए, तो फड़कता हुआ नाम रख लिया, जिससे अटपटा नाम रखिए, उसी तरीके से उन्होंने फिर जोड़ दिया कि 12 राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं, और 12 नागों का नाम पुराणों में आया है, उन नागों के नाम के साथ कालसर्प योग को जोड़ दिया, इस हाउस से शुरू होता है ये योग है, इस हाउस से शुरू होता है ये योग, उसके बाद किताबें लिखवाई किताबें लिखवाई लोगों ने, मार्केटिंग के तरीके है। अब कल को आप आजकल ज्योतिष की मार्केटिंग हो रही है, मैंने सुना है 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया ज्योतिष का, और वास्तु ज्योतिष का तो उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक, गहरे पानी पैठ में आपने कालसर्प योग का कालसर्प योग राहु के इफेक्ट के बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ है, और बहुत ज्यादा किसी को शंका है तो वो लघु पारश्री लिखे हमारी लिखी हुई हमारी व्याख्या की लघु पारश्री में पारश्र के सारे रूल राहु केतु किस तरीके से फल देते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, एग्जाम्पल समेत बताया गया है। ठीक।